बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में चार्ज और करंट को किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है वो पढ़ेंगे। इससे पहले आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, जब किसी तार में से चार्ज फ्लो करे तो उसको फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहा जाता है, और इसको अंग्रेजी में कहा गया है इट इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यानी चार्ज, ये जो चार्ज है डी क्यू, इस ये पर सेकेंड या पर टाइम इसमें क्या तब्दीली आ रही है। तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ले लेते हैं, फर्ज कर लेंगे इस एरिया को लेते हैं, तो इसमें से एक सेकेंड में जो चार्ज के फ्लो है, क्वान्टिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग, उसको हम करेंट कहेंगे, और इसको फॉर्मूले में आई डी क्यू बाई डी टी लिखा जाता है। यहीं से अगर आप इसको इस साइड पे ले जाएं तो डी क्यू जो है वो आई डी टी के बराबर हो जाएगा। तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी को फिर जब आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये क्यू आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई डी टी फ्रॉम दीज टू लिमिट्स टी जीरो से लेके टी तक। तो ये भी एक फॉर्मूला है चार्ज मालूम करने के लिए। अब इससे पहले कि हम ग्राफ पे जाएं, हम ये बुनियादी दो चीज़ें हैं, दो एक्सिस, आपको पता होगा कि जो हॉरिजेंटल एक्सिस जो है इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस है इसको कहा जाता है वाई एक्सिस। हमारे इस केस में एक्स एक्सिस पे हम टाइम को लिखते हैं, टाइम से डिनोट करते हैं, और वाई एक्सिस जो है वो या तो करेंट के लिए है या चार्ज के लिए है, जो आप इनमें से जिसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए वाई एक्सिस हम जाहिर करेंगे वाई एक्सिस से। अब सवाल ये है कि अगर इस तरह का है, सवाल गिवन है कि इफ़ क्वेश्चन इफ चार्ज और करंट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, तो जैसे ये दिया गया है कि अच्छा जी ये करंट है या ये चार्ज है, तो इसे आप करंट मालूम करें। इसी तरह ये भी ये एक हो सकता है फॉर्म, या इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है तो हम इसमें इस वीडियो में यही सीखेंगे कि इस तरह के ग्राफ को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये जो ग्राफ है इसको इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको हम इसकी इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इन तमाम ग्राफ्स को। तो सबसे पहले हम वो सीखेंगे कि ग्राफ को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ये लाइन इक्वेशन है, ये एक लाइन है, इसी तरह ये भी एक लाइन है, ये लाइन है, ये भी एक लाइन है, इसी तरह ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन। तो बेसिकली हमें लाइन इक्वेशन लिखना जो है वो आना चाहिए, और आपने एफएससी में पढ़ा होगा कि लाइन इक्वेशन जो है वो हम उसको लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे एम जो है वो स्लोप होता है और सी जो है इसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट क्या है और स्लोप क्या है, जैसे अब इस ग्राफ में अगर देखें तो ये इसकी स्लोप है, इसकी कोई स्लोप नहीं है, ये हॉरिजेंटल है, इसी तरह ये हॉरिजेंटल है, कोई स्लोप नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्लोप है, और इसी तरह ये तीनों भी स्लोप के फॉर्म में। तो ये तो हो गया स्लोप एम। अब वाई इंटरसेप्ट किसको कहते हैं कि अगर किसी ग्राफ को, जैसे इस ये ग्राफ वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर टच करे कर रहा है उसको हम इंटरसेप्ट पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट 80 है। सिमिलरली इस ग्राफ को अगर हम एक्सटेंड करते जाएं तो ये ऊपर जाके कहीं पे वाई एक्सिस को टच करेगा तो वो उसके लिए वाई इंटरसेप्ट होगा। सिमिलरली इसके वाई इंटरसेप्ट 0 पॉइंट पे है, इस ग्राफ के वाई इंटरसेप्ट जो है वो समवेयर हियर माइनस साइड पे आ जाएगा, तो ये इसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। अब पहला सवाल ये है कि स्लोप कैसे मालूम करेंगे, ये यकीनन आपने पढ़ा होगा एफएससी में, लेकिन हम फिर इसको रिपीट करेंगे। तो अब ये एक ग्राफ है, हम इसके पहले स्लोप मालूम करना चाहेंगे, तो टेक द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ एज एक्स वन वाई वन। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहेंगे कि ये एक्स वन इस एक्स एक्सिस और वाई वन वाई एक्सिस, तो ये एक्स वन और एक्स वाई वन है, और जो एंड पॉइंट है उसको हम नाम देंगे x2 y2। तो ये जो एंड पॉइंट है ये
एक्स टू और वाई टू, एक्स टू कितना है 1 है और वाई टू कितना है 5 है। तो अब कैसे लिखेंगे हम, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हुआ एक्स वन वाई वन, यहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, तो हम इसको 0 0 लिखेंगे। जबकि एंड पॉइंट जो है एक्स टू वाई टू, एक्स यहाँ पे 1 है तो हम 1 लिखेंगे और वाई 5 है तो 1,5 लिखेंगे। तो ये तरीका है इसको लिखने का। अब स्लोप के कोई फार्मूला आपको याद होगा कि m जो स्लोप इज y2 टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें तो y2 जो है वो 5 है तो 5 माइनस वाई वन, वाई वन 0 है तो 5 माइनस 0 हो गया, और x2 टू माइनस एक्स वन, एक्स टू 1 है तो 1 माइनस एक्स वन 0 है तो 0, तो 5 माइनस 0 1 माइनस 0, तो इसका मतलब हो गया 5 ओवर 1 या 5, तो ये इसका स्लोप हो गया। इसी तरह इस इक्वेशन को अगर देखें, इस लाइन को अगर देखें तो यहाँ पे x कितना है 6 है तो हम 6 लेंगे, y की वैल्यू क्या है 60 है तो ये 60। अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इसलिए हम स्टार्टिंग पॉइंट को x1 y1 कहेंगे। तो x1 y1 जो है वो 6 और 60 हो गया, और x2 कितना है 10 है और y 0 है, चूँकि यहाँ पे एंड पे आ गया तो y 0 हो गया। सो 10,0 ये हमारा x2 y2 हो गया। अब उसी फार्मूले में हम डालेंगे तो y2 y2 हमारा ये है, y2 0 है तो 0 माइनस y1 60 तो 0 माइनस 60 हो गया, और डिवाइडेड बाय x2 10 है माइनस x1 6 है तो 10 माइनस 6, तो ये हो गया माइनस 60 डिवाइडेड बाय 4 जो के हो जाएगा माइनस 15। तो माइनस 15 जो है ये इसका स्लोप है, और इस स्लोप चूँकि नीचे आ रहा है, नीचे आने वाले स्लोप या डाउनवर्ड स्लोप जो है वो नेगेटिव साइन में आ जाते हैं, और अप जाने वाले स्लोप जो है वो पॉजिटिव साइन में आ जाते हैं। और थर्ड ये केस है। अब यहाँ पे देखें तो चूँकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका कोई स्लोप नहीं है, तो हम डायरेक्टली ही यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्लोप हमारा जो है वो 0 है, या अगर आप चाहें तो आप इसकी वैल्यूज डाल दें। ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा x1 y1, यहाँ पे x1 है और y5 है तो 1,5 डाल दिया, और ये हमारा एंड पॉइंट है x2 y2, यहाँ पे x3 है और y5 ही है तो y5 डाल दिया। तो ये अब उसको उसी फॉर्मूले में आप डाल के देखें तो तब भी यहाँ पे स्लोप 0 आएगा, क्योंकि 5 माइनस 5 y2 माइनस y1, 5 माइनस 5 और नीचे x2 माइनस x1, सो 3 माइनस 1। अब ऊपर 5 माइनस 5 चूँकि 0 हो गया तो स्लोप 0 हो गया। तो ये तरीका होता है किसी भी लाइन की, किसी भी स्ट्रेट लाइन के स्लोप मालूम करने। अब हम आते हैं कि इंटरसेप्ट किस तरह से मालूम करते हैं, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट इज द पॉइंट ऑन y एक्सिस वेयर द ग्राफ इफ एक्सटेंडेड विल टच द y एक्सिस। तो जैसे हमने इस एग्जांपल में देख लें कि ये हमारा ग्राफ है, तो इसको ये y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे टच करेगा वही इसका y इंटरसेप्ट होगा। अब यहाँ इस केस में ये ग्राफ जो है इट इज़ टचिंग एट 0 पॉइंट, तो y इंटरसेप्ट जो है वो 0 होगा, यहाँ पे y 0 है इस पॉइंट पे। तो इसका भी निकालने का तरीका है। अब इसका तरीका क्या है कि आप, हमने पहले इसको निकाल लिया था कि इसका स्लोप जो है वो 5 है। अब हम आ जाते हैं लाइन इक्वेशन में। तो लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम हो गया 5 तो 5x प्लस सी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इसमें हम x और y की वैल्यूज़ अगर पुट करें तो पहले केस में अगर हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे x भी 0 है y भी 0 है, तो इसमें ये 0 डाल दिया, इसको भी 0 डाल दिया, तो c इज़ इक्वल टू 0। तो जो हमने ज़बानी यहाँ से मालूम किया था कि ये चूँकि टच कर रही है 0 पॉइंट पे y 0 पे, तो इसका स्लोप y इंटरसेप्ट 0 है, वही चीज़ हमने मैथमेटिकली निकाल लिया।
इसी तरह अगर आप इनिशियल पॉइंट के बजाय फाइनल पॉइंट को भी पुट करना चाहें इस इक्वेशन में, तो आप 1 और 5 को डाल दें तो तब भी वही रिजल्ट आएगा। पहले पॉइंट पे y जो है ये 5 हो गया, तो y 5 और ये स्लोप है और x 1 है, तो ये अब c इज इक्वल टू 5 माइनस 5, ये 0 आ जाएगा। तो दोनों में से कोई एक पॉइंट की वैल्यूज अगर आप डाल लें तो उससे आप y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे आसानी से आप नहीं मालूम कर सकते कि जी इस लाइन की y इंटरसेप्ट कहाँ पे है, तो इसके लिए तो हमें डेफिनेटली फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। ये देखें, अगर तो आप ये ग्राफिकली इसको आप एक्सटेंड करके ले जाते हैं तो ये कहीं ऊपर जाके मेरे ख्याल में 120 या 150 के लगभग कहीं पर होगा, सो वी आर नॉट श्योर। तो हम मैथमेटिकली देखते हैं, अब हमारे दो पॉइंट्स ये है और ये हैं, और स्लोप हमने निकाल लिया था, ये वही है जो पिछले उसमें कि इसका स्लोप जो है वो -15 है। अब हम आ जाते हैं लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब m के वैल्यू डालें तो अब हमारा इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू -15x प्लस सी। अब इनमें अब इस इक्वेशन में या तो ये वैल्यू डाल दें या ये वैल्यू डाल दें, कोई एक वैल्यू डालें तो आप को c की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे हम x2 y2 की वैल्यू डालें जो कि 10 और 0 है, तो y0 आ गया -15 इंटू x10 है प्लस सी, तो यहाँ से आप ये 150 हो गया, -150 जब इस साइड पे जाएगा तो +150, तो c इज इक्वल टू +150। तो अब आप को कोई डाउट नहीं, जबकि यहाँ पे यू आर नॉट श्योर कि ये 150 है या कितना है। बहरहाल जब आप मैथमेटिकली इसको निकाल लेंगे तो यू आर श्योर कि इसकी वैल्यू क्या है या वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है। अब ये थर्ड एग्जांपल, अब यहाँ तो अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि इसको अगर आप एक्सटेंड कर देंगे तो ये 5 पे चला जाएगा, तो वाई इंटरसेप्ट 5 है, लेकिन इसको भी हम मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। स्लोप हमने पहले मालूम कर लिया था, अगर नहीं तो आप दोबारा मालूम कर लें स्लोप वाले फार्मूले में ये वैल्यूज डाल के y1 और y2 के और x2 और x1 के, तो हमने स्लोप यहाँ से हमें मिल गया 0। अब y इज इक्वल टू mx प्लस c में ये वैल्यू डालें, स्लोप 0 हो गया तो y इज इक्वल टू c आ गया। अब इस इक्वेशन में आप x1 और y1 के वैल्यू डाल दें या x2 y2 के वैल्यू डाल दें, हम पहले इसके डाल रहे हैं, तो 1 और 5, तो y जो है वो 5 है, y 5 आ गया इज इक्वल टू ये 0 हो गया क्योंकि स्लोप 0 है, तो c इज इक्वल टू 5, यानी y इंटरसेप्ट 5 है। तो वो जो कि हम ज़बानी निकाल रहे थे वो आप मैथमेटिकली निकाल चुके हैं कि y इंटरसेप्ट जो है वो 5 है। अब आइए हम इस सवाल को करते हैं। इसमें हमने राइट द इक्वेशन फॉर चार्ज एज शोन इन द फिगर। तो ये जो ग्राफ है ये इट इज़ रिप्रेजेंटिंग चार्ज। अब इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको गौर से देखें। तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये तीन लाइनें हैं। ये जो ऊपर से नीचे में लाया जाता है ये सिर्फ शोषा के लिए है, ये इसकी इस इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बेसिकली आपकी लाइन यहीं पे ख़त्म है। तो आइए हम इक्वेशन लिखते हैं। ये जैसे मैंने बताया कि तीन लाइनें हैं, एक ये लाइन और एक ये लाइन। ये लाइन नहीं है, इसको सिर्फ खूबसूरती के लिए मिलाया जाता है, एक्चुअल इस तरह से है। तो इन तीनों लाइनों की इक्वेशन हम लिखेंगे। ये आ गया इक्वेशन फॉर स्लोप और ये इसके डिफरेंट पॉइंट्स, ये 0 0 है, ये 250 है। तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। तो अब 0 to 2 स्लोप कितना आ गया, इस इक्वेशन में अगर आप वैल्यूज डालें y2 -50 -y1 0 है, सो -50 -0,
और एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू कितना है, टू है, टू माइनस ज़ीरो, तो अब ये माइनस 25 ओवर टू हो गया, यानी सॉरी माइनस 50 ओवर टू, तो ये हो गया माइनस 25। और वाई इंटरसेप्ट कितना है, ज़ीरो है। ये विजुअली आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है इस वाई एक्सिस को ज़ीरो पॉइंट पे कट कर रही है लाइन, तो इसलिए इसको वाई इंटरसेप्ट को हम विजुअली लिख सकते हैं ज़ीरो। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बना, लाइन इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई जो है, अब ये हमारा क्यू एक्सिस है, तो वाई के बजाय हम क्यू लिख लेंगे। सो क्यू टी इज इक्वल टू, स्लोप कितना है, माइनस 25। एक्स के बजाय अब हम टी लिख लेंगे, क्योंकि ये हमारा टी एक्सिस है, तो माइनस 25 टी प्लस ज़ीरो, क्योंकि स्लोप जो है वाई इंटरसेप्ट ज़ीरो था, तो ज़ीरो। और चूंकि ये चार्ज है, तो इसकी यूनिट जो है वो कूलम्स है। सो चार्ज इज इक्वल टू माइनस 25 टी, या क्यू इज इक्वल टू माइनस 25 टी कूलम्स। ये इस पोर्शन का इक्वेशन हमने ढूंढ लिया। अब आ जाते हैं दूसरे पोर्शन पे। अब ये दूसरा पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है, टी इज इक्वल टू ज़ीरो से लेके टी इज इक्वल टू फोर तक। ये टी इज इक्वल टू टू से लेके, सॉरी, टी इज इक्वल टू टू से लेके टी इज इक्वल टू सिक्स तक, सॉरी। सो टी इज इक्वल टू टू से लेके टी इज इक्वल टू सिक्स तक स्लोप, वही फार्मूला वाई टू माइनस वाई वन। अब ये देखें कि हम, ये हमारा एक्स वन वाई वन पॉइंट है और ये एक्स टू वाई टू पॉइंट है, तो वाई टू माइनस वाई वन इज़ 50 माइनस माइनस 50। सो 50 माइनस माइनस 50, और इसी तरह एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू सिक्स है और एक्स वन टू है, तो 6 माइनस टू, तो ये हो गया 100 ऊपर और नीचे हो गया 4, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो 25 के बराबर, तो ये स्लोप आ गया। अब हमारा लाइन इक्वेशन जो कि जनरल इक्वेशन है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो वाई की जगह पे क्यू लिख लेंगे और एक्स की जगह पे टी लिख लेंगे, और एम 25 आ गया सी, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया 25 टी क्यू टी इज 25 टी प्लस सी। अब हमें सी मालूम करना है या वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है। अब वाई इंटरसेप्ट इस लाइन की अगर देखें तो ये इस पॉइंट पे है कहीं, सो माइनस में भी 100, लेकिन हमने इसको कैलकुलेट करना है बिल्कुल जिस तरह से हमने पहले किया था, कि अब हमारा ये लाइन इक्वेशन बन गया, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, या तो इसकी वैल्यू पुट करें या इसकी वैल्यू पुट करें, कोई एक वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे एक्स टू की वैल्यू 6 और 50 पुट कर रहे हैं, तो क्यू जो है वो 50 आ गया, यानी वाई 50, स्लोप 25, एक्स जो है वो 6 इक्वल टू सी, तो यहाँ से आप ये सी इज इक्वल टू माइनस 100 आ जाएगा। तो अब इसमें इस जगह पे सी के वैल्यू पुट कर दें, तो ये हमारा फाइनल चार्ज इक्वेशन आ गया, यानी चार्ज इज इक्वल टू 25 टी माइनस 100 कूलम्स। अब हम आ जाते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। ये तीसरा हिस्सा है फ्रॉम टाइम 6 to 8। तो टाइम 6 to 8 इस लाइन के स्लोप ऐसे तो नज़र आ रहा है कि ये ज़ीरो है, कोई स्लोप नहीं है, लेकिन फिर भी हम फार्मूले के ज़रिए वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू इज़ 50, वाई वन 50, तो 50 माइनस 50 डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, 8 माइनस 6, तो ये स्लोप ज़ीरो आ गया। अब ये वैल्यू हम ज़ीरो इसमें डाल देंगे, तो ये हमारा लाइन इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई की जगह पे हम क्यू लिख लेंगे, क्योंकि हमारा ये हम चार्ज मालूम करना चाह रहे हैं, तो क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो टी प्लस सी। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हमें सी की वैल्यू मालूम करनी है। डायरेक्ट भी हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं कि वाई इंटरसेप्ट जो है वो 50 है, लेकिन बेहतर यही है कि आप फार्मूले में डालें। तो वाई इज इक्वल टू सी था वाई, या क्यू की जगह पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 50 है, तो ये हम 50 डाल देंगे, ये ज़ीरो हो गया, तो यहाँ से हम C इज इक्वल टू 50 निकल आया, तो C इज इक्वल टू 50 जो है ये हमारा Y इंटरसेप्ट हो गया। तो देयरफॉर हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया
क्यूटी इज इक्वल टू 50 कूलम। तो इस तरह से हम ये तीनों पोर्शंस के इक्वेशन हम मालूम कर लेते हैं। अब इंशाल्लाह अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 में हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू।